इधर तंदूर के ऊपर हम इसको सेकने के लिए एक जाली का प्रयोग करते हैं। ओके जो तंदूर के हीट से क्रिस्पी होंगी। ओके ये तंदूरी चाप रोल। तो एक बार भैया अपना नाम बता दीजिए। बहादुर सिंह मन्नाल। तो ये बहादुर सिंह भैया हैं, ये हमारे लिए बना रहे हैं तंदूरी चाप रोल। ये हमने ऑनियन डाला इसमें। ऑनियन डाला इन्होंने, पहले सारे जो चाप थे इनको ग्रिल किया अच्छे से, फिर उसके बाद ऑनियन डाला इसमें। ये चाट मसाला। ये चाट मसाला आ गया। चॉप कोरिएंडर। चॉप कोरिएंडर आ गया। उसके बाद ग्रीन चिली पेस्ट। ग्रीन चिली का पेस्ट आ गया। बटर। ये बटर डाला भैया ने अच्छे से। और थोड़ा टच ऑफ देगी मिर्च। ठीक है, देगी मिर्च का थोड़ा सा टच दिया बस। जी। और अब अच्छे से भैया ने पूरा मिक्स किया इसको। ये हमारा तंदूरी चाप रोल का मिक्सचर तैयार हुआ। ये रोटी है रोल की। ओके। जिसको हम हमारे हिसाब से 8-10 पोर्शन बना के रखते हैं पहले ही। ओके। इन रोटियों को तो ये जो रुमाली रोटी होती है वही उसी टाइप का है ये ना? हाँ जी। ओके। ये हमने चाप डाली दोनों रोटियों में। ये चाप इसमें आ गए जो आपने अभी मिक्सचर तैयार किया था। हाँ जी। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको चिपकाने के लिए यहाँ पे हम बटर का प्रयोग करते हैं। ओके, बटर इसमें फिर से लगाते हो आप। सही है। ये रोल की बाइंडिंग होगी। ओके। अब इसी तरीके से ये दूसरा भी हो जाएगा। हाँ जी। ये एक फुल प्लेट में आप दो रोल देते हो राइट? हाँ जी। ये अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। यस। ये तंदूरी चाप रोल हो गया रेडी। सीकेंगे अभी। ओके, अभी ये सीकेंगे इसके बाद। हाँ जी। ये हमने पनीर टिक्का रोल के लिए ग्रिल किया है अभी ना? जी। तंदूर में अच्छे से। तो उसको जो ये पनीर होता है इसको आप पहले मैरिनेट करके रखते हो अच्छे से। हाँ जी, पहले इसको मसाला वगैरह लगा के। हाँ जी। ये भैया ने अच्छे से इनको पीसेस में काट दिया। ये पनीर काट दिया हमने। ये अब ऑनियन कट कर रहे हैं भैया रोल के लिए। चॉप कोरिएंडर आ गया। ये चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा इसमें टच ऑफ देगी मिर्च। ये देगी मिर्च थोड़ी सी थोड़ी डाल देना इसमें देगी मिर्च। हाँ जी। थोड़ा बटर। बटर आ गया। थोड़ा टच करते हैं हम इसमें क्रीम। ओके, ये क्रीम भी आ गया इसमें पनीर वाले में। ठीक है। और थोड़ा डालते हैं इसमें ग्रीन चिली पेस्ट। ये ग्रीन चिली पेस्ट आ गया। अब इसको मिलाते हैं अच्छे से। ये पनीर, ये पूरा पेस्ट तैयार है आपका पनीर टिक्का रोल का। इसमें आप फिलिंग डाल रहे हो रुमाली रोटी में। हाँ, फिर इनको फोल्ड करेंगे। दोनों रोटी में डाल लेते हैं। अब इसको उसी तरफ फोल्ड करना है। ये
बाइंडिंग के लिए इसको फिर से बटर लगा, बटर लगा। ठीक है, एक रोल तैयार हो गया। ये दो पनीर टिक्का रोल तैयार हो गए, राइट। ये तीसरा अफगानी चाप रोल, चॉप कोरिएंडर डाला, चार मसाला डाला, हल्का सौंफ पाउडर डाला, सौंफ का पाउडर डाला इसमें। हाँ जी, ओके। क्रीम होगी, अच्छा इसमें क्रीम ज़्यादा आती है अफगानी। हाँ जी, थोड़ा ग्रीन चिली पेस्ट, थोड़ा बटर, फिर ऑनियन, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा ऊपर से क्रीम और थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला। ये हमारे अफगानी चाप रोल तैयार। सिमिलरली अफगानी चाप रोल के लिए आपने दोनों रोटियां निकाल ली हैं। हाँ जी, अभी इसमें स्टफिंग डालेंगे। थोड़ा कोरिएंडर डालेंगे, अफगानी वाले में डाल। अब इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से। ये बटर लगाया, ये बाइंडिंग के लिए फिर से बटर लगा। ठीक है, ये अफगानी का पहला रोल तैयार हो गया। ये हो गए अफगानी चाप के भी रोल तैयार। तो सबसे पहले ये हो गया सोया चाप टिक्का का रोल, जिसे आप तंदूरी चाप रोल बोलते हो, और उसके बाद सेकंड हो गया तंदूरी पनीर टिक्का रोल। ये हमारा अफगानी चाप रोल। अब ये इसके बाद क्या होना है, अब ये इधर तंदूर के ऊपर हम इसे सेकने के लिए एक जाली का प्रयोग करते हैं। ओके, जो तंदूर के हीट से क्रिस्पी होंगी। ओके, ये सारे रोल अब इसके ऊपर रख के सेकेंगे अच्छे से। भैया ने अब ये तंदूर के ऊपर लगा दिए हैं, पहले भैया ने एक जाली लगाई है जिससे ये नीचे की तरफ ना गिरे, और अब ये धीरे धीरे मंदी आंच पे पकेगी। ये भैया ने इसको टर्न कर दिया है तो ये ताकि दोनों तरफ से सिक जाए अच्छे से। अब हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर मारेंगे। ये भैया ने बटर लगाया है इस पर ताकि ये अच्छे से इस पर क्रिस्पीनेस भी आ जाए और थोड़ा सा बटर का एसेंस भी आ जाएगा इससे। अब हम दूसरी तरफ बटर लगाएंगे रोलों का। तो अब ये रोल जैसे आप देख रहे हैं अच्छे से सिक के रेडी हो गए हैं। तो अब बस भैया इनके इसके बाद इसकी प्लेटिंग होनी है या अभी कुछ और भी प्रोसेस रहता है इसके बाद? बस ये कट के प्लेट में लगेंगे। अच्छा, बस ये कट के प्लेट में लगेंगे।
ये अब इसके बाद भैया इनको पीसेस में काट रहे हैं ताकि प्लेटिंग हो पाए इजीली। भैया ने काट के और इसकी प्लेटिंग करना शुरू कर दिया। सिमिलरली जितने भी रोल्स हैं उनकी इसी तरीके से कटिंग होगी। और अभी प्लेट में जैसे पनीर रोल है, अगर आप देखेंगे ये देखिए पनीर रोल है, देखिए कितना अच्छे से पनीर निकल कर आ रहा है। तो पनीर की क्वांटिटी भैया ने अच्छी खासी यूज की है। एक प्लेट और ये अफगानी चाप रोल है। के ऊपर से देंगे हम ऊपर के कोरिएंडर। तो यानी हरे धनिए से इसकी ड्रेसिंग करिए अच्छे से, ग्रीन कोरिएंडर। और ये भैया ने स्पेशली ये मिंट सॉस बनाई है भैया ने स्पेशली। इसमें जो फ्लेवर आता है वो मिंट सॉस की वजह से ही आता है। जो चाप वगैरह के साथ आपको मिलेगी सॉसेस उसमें ये मिंट सॉस जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये आपके रोल्स तैयार हैं तीनों तरीके के। सर पर हम जो तंदूरिया में आए हैं आज यहाँ पर देखिए, अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आते हैं तो नीचे पूरा सिटिंग एरिया है, प्रॉपर सोफा वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर बैठ के आप इजीली इंजॉय कर सकते हो। इनका जो भी पूरा वेज नॉन वेज का पूरा मेन्यू है पूरा अच्छा खासा एम्बियंस मिलेगा आपको नीचे भी। तो हमारा एड्रेस है शॉप नंबर 139 सेक्टर 16 फरीदाबाद हुड्डा मार्केट नियर HDFC बैंक।